Hello everyone, welcome to Pragyan. Today we have Barun with us. So Barun ne is saal JK AS examination mein bahut acha rank liya hai. Inka rank 56 hai. Barun belongs from RS Pura. Aur aaj Barun jo hai ye hamare saath apna experience share karenge. Main aapko isse pehle thoda sa Barun ka background dena chahunga. वरुण जो है इन्होंने इनकी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो आरसपुरा से ही हुई है, जम्मू से ही हुई है. इन्होंने जेके पब्लिक स्कूल से अपनी इनिशियल जो एजुकेशन है वो ली है. 11th 12th में इन्होंने सेंट स्टीफन्स में एडमिशन ली थी और बहुत ही अच्छे अंकों के साथ वहाँ से इन्होंने अपना स्कूल जो है वो समाप्त किया. 10th क्लास में वरुण की पोजिशन थी और 11th एंड 12th में भी वरुण जो है ये अपने स्कूल के टॉपर्स थे. उसके बाद वरुण ने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन जो है 2014 में कंप्लीट करी और 2015 से लेकर वरुण आज तक जो है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे. वरुण का जो सफ़र है ये बहुत लंबा है, लगभग 8 साल का, लेकिन वरुण ने हार नहीं मानी. कॉन्टीन्यूसली 8 साल तक का जो सफ़र था, हम इनसे डिस्कस करेंगे कि 8 साल इन्होंने कैसे अपने आप को सस्टेन किया. और इससे पहले भी मैं आपको जो बता चुका हूँ कि 2015 में, यानी कि वरुण ने अपने पहले ही साल जो तैयारी का साल था उसमें CAPF जो कि UPSC पेपर कंडक्ट कराता है उसमें इनकी सिलेक्शन हुई थी एज एन असिस्टेंट कमांडेंट एट अ वेरी यंग एज. इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि वरुण वाज द यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने CAPF एग्जामिनेशन को 2015 में क्वालिफाई किया. सेम ईयर इसी साल वरुण ने अपना जो UPSC का है प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस वरुण इंटरव्यू तक पहुंचे और बहुत कम मार्जिन से, सिर्फ 27 नंबर से, जस्ट 27 मार्क्स से वरुण का सिलेक्शन नहीं हो पाया. वरुण उस टाइम काफ़ी यंग थे और शायद यही एक रीज़न रहा होगा कि जिसकी वजह से इनको इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स मिले. वह काफ़ी 27 मार्क्स एक्चुअली कुछ भी मार्जिन नहीं रहता एक बच्चे के, लेकिन इस 27 मार्क्स ने वरुण को और प्रेरणा दी और लगातार उस वक्त से अभी तक वरुण जो है ये एग्ज़ाम दे रहे हैं. वरुण ने UPSC के 6 अटैम्प्ट्स दिए और उसके बाद वरुण जो है इन्होंने स्विच किया JKPS, JKAS, JKPSC का जो पेपर होता है. और JKPSC का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, इस साल वरुण ने उसमें 56 रैंक लेके पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है. वरुण जो है ये आरएसपुरा बेल्ट से बिलोंग करते हैं. आरएसपुरा जो है ये हम जानते हैं कि एक विलेज बेल्ट है, एक एग्रेरियन फील्ड या एक एग्रेरियन आउटसेट से वरुण निकलते हैं. और वरुण प्रेरणा देते हैं उन सभी लोगों को जो कि हमारे विलेजेस से बिलोंग करते हैं, खासकर हमारे जम्मू के जो ऐसे विलेज हैं जहाँ पे बच्चों को लगता है कि वहाँ पे उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर उनको कभी लगता है कि ये सिर्फ सपना ही है JKAS का एग्ज़ाम और क्या पता वो कभी वहाँ पर पहुँच भी पाएँ या ना पहुँच पाएँ. तो वरुण मिसाल हैं उन सब के लिए. और वरुण उन सब के लिए भी मिसाल हैं जो अपने पहले अटैम्प्ट में या अपने दूसरे या तीसरे अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, या फिर जो लोग UPSC के अपने सारे अटैम्प्ट 6 के 6 अटैम्प्ट दे देते हैं लेकिन बावजूद उनको लगता है कि शायद ये जो फेलियर है वो इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते. वरुण एक मिसाल हैं कि जिन्होंने पहली ही बार अपना JKAS जो है इस साल, इससे पहले जो पहली ही बार वरुण ने जो अपना UPSC का जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें ये डायरेक्ट इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद जो इनको इतना लंबा सफ़र जो है ये ट्रैवल करना पड़ा, तो काफ़ी कम लोग होते हैं जो इस टाइम पीरियड को सस्टेन कर पाते हैं. तो अब मैं वरुण से ही जानना चाहता हूँ कि वरुण, सबसे पहले तो आपका यहाँ हमारे इस आज इस वीडियो में आपका हमारे तहे दिल से हम आपका वेलकम करते हैं. थैंक यू सर. और मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो हमें ये बताइए कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई, इतनी स्ट्रगल के बाद इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ अपने मम्मी पापा के लिए जिन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया, इतने सालों तक मुझे सिस्टम उन्होंने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि पढ़ो, कभी मुझे कोई प्रेशर नहीं डाला. जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि जॉब करो, उन्होंने कभी नहीं बोला, बोलते जो तुमने करना कर. और भगवान की बड़ी कृपा रही जो उन्होंने मुझे हमेशा, उन्होंने भी अपने आशीर्वाद दे के रखा, इसलिए मैं इतने साल करता रहा और आखिरकार आपके सामने हूँ, आज सिलेक्टेड हूँ और अच्छा लगता है सर.
तो काफी दोस्त होंगे जिनका आपकी इस स्ट्रगल में आपके साथ रहे होंगे, आपके अप्स एंड डाउन्स में काफी ऐसे आपके और भी रिलेटिव्स होंगे आपकी फैमिली में, आपके ब्रदर सिस्टर्स, तो उन सब के लिए क्या कहना है? सर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा मेरी जिंदगी, क्योंकि मैंने बड़ी सारे फेलियर्स देखे। आपको पता है 6 बार मैं फेल हूँ यूपीएससी अटेम्प्ट्स में। तो आपको एक तरह से आप डिप्रेशन वाली साइड जा रहे होते हो, तो उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा सोशल सपोर्ट चाहिए होती है, जी, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बखूबी दी। मेरे बड़े भैया ने, उनके बच्चे हैं, वो हमेशा मेरे को एक तरह से मेरे दिल खुश कर देते जब भी उनसे मिलता था। और मेरी बड़ी बहनें, उन्होंने भी बड़ा बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को, तो इसलिए मैं अटेम्प्ट लेता रहा और आज आपके सामने सर कर लिया। तो वरुण एक बेसिक सा सवाल है जो हम सबसे पूछते हैं कि आपको किस चीज से मोटिवेशन मिली इस एग्जाम के लिए? सर मेरे पापा चाहते थे कि मैं ये ऑफिसर बनूं, क्योंकि उनको बड़ा क्रेज था। और साथ में सर मैं भी यही चाहता था कि मैं ऑफिसर बनूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं मतलब कि सर कई सारी ऐसी चीज़ें होती। मैं जैसे कभी तहसील में सर्टिफिकेट बनाने गया था एक बार, तो मेरा वो सर्टिफिकेट ही नहीं बना था। तो काफ़ी सारी मैं लाइनों में लगा रहा, नहीं बना। तो मुझे ये लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए अगर मैं काबिल हूँ, तब ये चीज़ सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकूँ। जैसे अभी आप, अब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ, सिटीजन चार्टर है, राइट टू सर्विस डिलीवरी है, तो वो सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपरली अप्लीकेबल कर सकूँ, ताकि लोगों को लाइन में लगना पड़े, जो कि उनका हक है, जो उनको मिलना चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए मैं इस सर्विसेज में आया। बहुत अच्छी सोच है वरुण की। तो वरुण, दूसरा मेरा जो नेक्स्ट आपसे जो सवाल है वो ये है कि ये जो 8 साल थे आपकी प्रिपरेशन के, इन 8 सालों के बारे में कुछ बताइए। देखो, हम जानते हैं कि जो भी बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो कि कई हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, कई बेचारे ऐसे हैं जो इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाए और वो तैयारी कर रहे होंगे अगले साल के लिए, आपको देख के उनके अंदर एक जज्बा तो आएगा ही आएगा, है ना? तो हम जानते हैं, जैसे मैं भी खुद भी पर्सनली इसी इन्हीं सब चीज़ों से गुजरा हूँ। मेरा भी गैप काफ़ी ज़्यादा था, 2011 में मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई और 2019 तक मैं जॉब कर रहा था, उसके बाद मैंने स्विच किया। तो एक, चलो मैं तो जैसे जॉब कर रहा था, तो आपका तो ऐसा है कि आपने बीच में जॉब भी नहीं की है, पूरी तैयारी ही की। तो जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक कि जो हमारी इमोशनल स्ट्रेसेस, हम जानते हैं कि आजकल के जो देख रहे हैं कि कई जगह फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलती है, जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली ने आपको हर जगह पे सपोर्ट दिया। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आजकल एक जो टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है ना, हम अपना टाइम मैनेज कैसे करें, आप हमें बताइए कि आपने अपना टाइम मैनेज कैसे किया। और जो इमोशनल स्ट्रेस, अगर आपने कभी कुछ फेस किया हो अपनी लाइफ में, तो उससे कैसे आपने अपने आप को बाहर निकाला? सर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, मतलब कि एग्जाम से पहले एक दिन तक, जब तक सेटल मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था सर, तब ऐसा फील आता था कि यार मैंने अपनी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट साल मैंने वेस्ट कर दिए इस प्रिपरेशन में। 8 साल का टाइम सर 10 साल का कम नहीं होता, तो मेरे को ये लगता था कि यार इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ इट, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ और करता कुछ ये। पर से मुझे लगता है कि ये सब डेस्टिनी में लिखा होता है, आपके जो आपने करना है वही आपने करना है। ये चीज़ हम ना सोचें, जो भगवान ने लिखा है उन्होंने लिख दिया हुआ, वो आप कर रहे हो और वही करना था आपको, इसलिए आप वो कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें ना सोचें कि आपको ये मैंने वेस्ट कर दिया है। अब मैं आपके पास ये बातें बोल रहा हूँ, मेरे लिए काफ़ी ईजी है, आपके टफ होंगी ये बातें सोचना, पर इसको सोचिए, इससे आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा, जिसके कारण आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। और आपको, अब जब पॉजिटिव होते हो तो आप जब आंसर प्रैक्टिस करते हो प्रीलिम्स में, आप उधर नॉट लिखा होता है, नॉट करेक्ट, आप करेक्ट पढ़ लेते हो वो। अगर आप पॉजिटिव होगे तो आप बिल्कुल सही पढ़ोगे, सही अटैम्प्ट करोगे और सेलेक्ट होगे, और ये सच भी बात है। तो सर ये इस तरह से मैंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड किया। इमोशनल सर जो स्ट्रेस थी बड़ी थी, जब भी आप फेल होते हो तो एक तो रिश्तेदारों को पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है, सब आपसे पूछते हैं, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सब आपको पूछते हैं क्या बना क्या बना क्या बना, उससे ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। बंदा अपने आप में सोचता है यार मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो उस सब चीज़ों से इमोशनल आपको बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो उससे ये कि आप आपके प्रीवियस टॉपर से इंटरव्यू देख लीजिए, कुछ अच्छी मूवीज देख लीजिए, और अपने घर वालों से कांटेक्ट में रहिए, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट रहिए। मेरे फ्रेंड है पंजाब का राणा, मेरा फ्रेंड एक कालू पंकज और शिवम शर्मा और मेहुल और मेरे घर वाले, सर मुझे बड़ा ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं अपने इमोशनल को थोड़ा ठीक रख पाया। और साथ में गेम्स में भी इन्वॉल्व था, फुटबॉल में, क्रिकेट में। और सर टाइम मैनेजमेंट का इस हिसाब से है कि जब आपका फर्स्ट ईयर हो ना आपका, ये आपको पता है कि मैंने ये अटैम्प्ट देना है सर, तब तो टाइम का पता ही नहीं चलता,
एक साल ऐसे निकलते जैसे एक एक दिन हो जाए, एक महीना हो, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। इतना ज्यादा सिलेबस होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, GS1, GS2, GS3, GS4, ऐसे और अपने इंटरव्यू, आपको टाइम का पता नहीं चलता है। तो वो फर्स्ट ईयर तो आप 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ सकते हो आराम से, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं। हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम फेल हो जाते हो और आपको पता है कि मैंने पढ़ा हुआ है ये सब, तो वो चीजें जो तब टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप वो हमारे में कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, हाँ, तो सेकंड ईयर से आपको पता चलना शुरू हो जाता है, आपको सोच आएगी नेगेटिव क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। उस टाइम आप अपना टाइम इस तरह से मैनेज कीजिए कि अपने प्रोडक्टिव कामों में यूज कीजिए, अपनी हॉबीज में, बुक्स पढ़िए, बिजनेस में अगर आपका कोई है तो उधर थोड़ी देर बैठिए। जैसे मैं अपने सर बिजनेस में सुबह शाम जाता था, जो हमारी मेला मेडिकल स्टोर आरएस प्रो शॉप है, उधर मैं डेली बैठता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, काफी अच्छे लोग मिलते हैं जो आपसे बातें करके आपको मोटिवेट करते हैं। और आप गेम्स में इन्वॉल्व होते हो सर, उससे आपको ये होता है कि अच्छा, आप पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करते हो, अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल देते हो। क्योंकि जब आप कोई गेम खेलते हो, जो आपकी सर कोई फेवरेट गेम होगी, उस टाइम सिर्फ आप गेम की तरफ सोच रहे होते हो और टेंशन आपकी भूल जाती है। जब मैं खेलता था फुटबॉल, वो टाइम मेरे को पता है कि मैं सिर्फ गेम ही खेल रहा हूँ, मुझे और कोई टेंशन नहीं आने जाती। मुझे ये होता था कि जहाँ तो गोल डिफेंड करना है, जहाँ गोल मारना। तो वो सर एक बड़ा अच्छी एनर्जी बिल्ड करता है, जो आप पॉजिटिव तरीके से अपनी स्टडीज में लगा सकते हो। वेरी गुड। तो जैसा कि वरुण ने आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वरुण इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। आपने हमारे देश के एक क्रिकेटर, फुटबॉलर, जिनका नाम मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, महेंद्र सिंह धोनी का तो नाम सुना ही हो। तो अगर मैं वरुण को महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर कर दूँ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत तो ये है ही। मैं आपको बताना चाहूँ कि वरुण जो है, ये जो जम्मू की फुटबॉल लीग होती है ए लीग, उसमें जो चर्चिल ब्रदर्स की टीम है उसमें एज अ डिफेंडर प्ले करते हैं, और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा आरएसपुरा में जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होती हैं, यहाँ पे भी वरुण का रॉयल आरएसपुरा वरुण की अपनी टीम है, जिसमें वरुण एज अ कैप्टन और एज एन मेंटोर, और इस टीम में यानी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वरुण उन सबकी देख रेख जो है उसको रखते हैं। मैं वरुण को आज से नहीं जानता, मैं लगभग वरुण को आज से लगभग 6-7 महीने पहले से जानता हूँ। और जब मुझे सुमित, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे वरुण के बारे में अवेयर करवाया, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि विशाल, वरुण बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, और वरुण ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, और वरुण का ये जो चांस है ये मिस नहीं होना चाहिए, हमें अपनी तरफ से पूरी 100% देनी है, हम जितना इनको इम्प्रूव करवा सकें। क्योंकि हमारे पास तो वरुण जब आए थे, ये इंटरव्यू के लिए आए थे, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट फाइनल ही थी। तो उस टाइम भी जब हमने सुना वरुण के बारे में कि वरुण जो है बहुत हेल्पफुल है, लोगों की हेल्प करते हैं, आरएसपुरा में एक आपने देखा होगा कि जो बच्चे पेपर निकालते हैं, जनरली ऐसा होता है कि उनके पड़ोसियों ने भी उनको देखा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या रहते हैं, लाइब्रेरीज में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं, रूम्स में रहते हैं। आपको बच्चा नहीं कोई ऐसा मिलेगा जो वरुण को नहीं जानता है आरएसपुरा पर, क्योंकि वरुण की जो सोशल पार्टिसिपेशन है वो कभी भी इन 6 सालों में 8 सालों में कम नहीं हुई। वरुण ने अपने आप को हमेशा सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाया। ये इन्होंने, इनके जो वरुण है, इनका अपना बिजनेस है, इनके पेरेंट्स का फैमिली बिजनेस है, जो कि मेला मेडिकल स्टोर है आरएसपुरा में, जो कि बहुत जाना माना नाम है, हम सब जानते हैं, जो कि वरुण के पेरेंट्स मैनेज करते हैं। लेकिन वरुण अपने पेरेंट्स की हेल्प कराने के लिए 3-4 घंटे जो है वो डेली अपने स्टोर पे भी बैठते थे। और आज भी मुझे याद है कि जब मैं एक बार इनके पास गया था तो इन्होंने ड्रॉअर के नीचे बुक्स रखी हुई थी, तो ये दोनों काम कर रहे थे, ये बुक्स भी पढ़ते थे वहीं बैठ के, और ये जो अपने फैमिली की जो सपोर्ट है वो भी कर रहे थे। इसके अलावा इनकी संडे को इनके क्रिकेट मैचेस होते हैं, जहाँ पे वरुण की टीम जो है वो रिप्रेजेंट करती है। फुटबॉल में ये बेसिकली सीजनल अपना स्पोर्ट्स भी चेंज करते हैं, हर एक स्पोर्ट में एक्सपर्ट। तो ये मैं चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, जो दो एस्पेक्ट्स थे जो वरुण ने आपको बताए, जो इमोशनल कोप अप, तो आप अपने अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको दुख सुख में जो है वो आपके साथ रहें। आप स्पोर्ट्स या जो भी आपकी हॉबी, अगर आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, अगर आपको बुक रीडिंग अच्छा लगता है, जो भी आपकी एक्टिविटीज, हम उनमें पार्टिसिपेशन रखो, और जो चीज़ करो दिल से करो, तहे दिल से करो। ऊपर वाले ने आपके लिए जो लिखा है, आपकी डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता। हाँ, साफ सुथरा होने चाहिए, आप साफ सुथरे तरीके से, अपने आप को ही पता चल जाता है कि कब मैं अपनी पढ़ाई जो है वो ठीक ढंग से नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से करते रहो तो आज ना कल, जैसे वरुण को सफलता मिली, ऐसे आप सबको भी सफलता मिल सकती है। 8 साल की प्रिपरेशन जो है ये एक तपस्या है। भगवान राम ने भी 14 साल वनवास काटा था, तो आज की रेट में जो बच्चे तैयारी करते हैं तो ये वनवास से कम नहीं।
तो हम अपने जितने भी आज बच्चे ये देख रहे हैं, हम उनसे यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी भी लाइफ वरुण जैसी है, अगर आप भी अपने एग्जाम्स में थोड़े अंकों की वजह से नहीं सफल हो पा रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में, जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स ही सारा कुछ है, आपकी लाइफ में और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे हमें बहुत बार फेलियर्स जो है वो देखने पड़ते हैं। तो जिस तरीके से वरुण ने आपको बताया कि आपको अपना टाइम और अपने इमोशंस किस तरीके से मैनेज करने चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप भी मैनेज करें तो आप लाइफ में जो है वो हमेशा आप जो है वो सफल ही हो। ठीक है, तो इसके अलावा वरुण जो है, मैं वरुण को चाहूंगा कि वरुण जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको अब पढ़ाई से रिलेटेड बातों को बताएं। जैसे वरुण आपने आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपके बुक्स सोर्सेस वगैरह क्या थे। वरुण का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो जो हमारे बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, तो वरुण आप पहले इनको बताइए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट जो है ये कैसा सब्जेक्ट है, क्या ये स्कोरिंग है, इसमें अच्छे अंक कैसे ला सकें, सोर्सेज जो आपने भी इस्तेमाल करी, और उसके बाद जीएस में आपने क्या सोर्सेज इस्तेमाल करे, और सिमिलरली फॉर इंटरव्यू, ये जो 3 स्टेजेस हैं एग्जाम की, ये आप बच्चों को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर मैं थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ जी सर। जब हम छोटे होते हैं काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैंने केएस करनी है, मैंने आईएएस करनी है, वो कह देते हैं पर पता कुछ नहीं होता। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम छोटे होते थे मैं बोलता मैंने आईएएस करनी है, मैंने केएस करनी है सर, पर पता कुछ नहीं होता। स्कूल में मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ने में, पर वो सिर्फ एक क्लास के लिए। जब मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू की, एनसीईआरटी पढ़ी मैंने, जो मैंने पढ़ी हुई थी, पर उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये सिलेबस है, तो इसलिए मैं मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा। वैसे ही अगर हम बच्चों ने, अगर किसी ने कुछ करना है, अगर उसका मन है, नहीं भी करना है, फिर भी हम उसे बताएंगे कि बेटा आगे भी काम आएगा। टीचर्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप बताओ बच्चों को कि ये आपका, अगर आपने आईएएस करना है तो ये क्वालिटी आएगी। जब मैं स्कूल में था तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता यार ये काम कहाँ पे आएगा, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये काम कहाँ पे आएगी, पॉलिटिकल साइंस ये काम कहाँ पे आएगी। उनको अगर पता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। जो एसएससी है, सब में जीएस आ रही है, तो उनको ये पहली बात तो मैं ये चाहूंगा कि जो मेरे साथ नहीं, कि टीचर्स बताएं बच्चों को कि ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, और आप नेक्स्ट टाइम कहीं जॉब करोगे या कहीं फॉरेन चले जाते हो, एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने का। आज अगर मैं किसी भी बंदे से बात करता हूँ, जनरली मैं तो अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना, अगर मैं किसी ऑटो वाले से पूछता हूँ भाई आप कहाँ से, वो बोलते हैं बिहार से, वो तो डिस्ट्रिक्ट, वो ये डिस्ट्रिक्ट बताते हैं, तो मेरे को पता होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या फेमस है, तो मैं बात करता हूँ, तो एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है बंदों में, तो वो एक आप अच्छे एक मतलब एक रिलेशन बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सर आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सर, मेरे को लगता है सर जो मेरी यूपीएससी में सिलेक्शन हुई वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं हुई, क्योंकि उसमें नंबर उस टाइम बड़े कम आ रहे थे, पहले काफ़ी अच्छे आते थे, 27 नंबर से मैं रहा था, उस टाइम मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 212 नंबर आए थे, तो अगर वो 250 भी होते तो मैं सिलेक्ट हो गया होता। अभी ये वापस से ग्रो हो रही है, इसमें काफ़ी इवोल्यूशन हुई है सब्जेक्ट में, तो पहले हम मेनली पढ़ते थे स्टैटिक, पर अब काफ़ी करंट ओरिएंटेड हो गया। अगर आपको लोकपाल का भी पूछते हैं तो आपको लोकपाल की सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स भी बतानी पड़ती है, तो इसलिए आप अगर ये सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, उसमें से खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जर्नलिस्ट की कोई करंट की कंपाइलेशन नहीं आती है। तो या तो आप अगर रिसेंट, अगर आपने किसी का पब्लिक में कोर्स लिया होगा तो वो आपको बता देंगे, नहीं तो आप खुद न्यूज़पेपर से बनाए, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले लिया था तो मैं खुद प्रिपेयर करता था जितना भी करंट था, तो मेरे ख्याल से इस बार मैंने यही एक्स्ट्रा किया था कि मैंने करंट काफ़ी ज़्यादा डाला था और पेपर लिंक किए थे। बोलना काफ़ी ईजी है, पर जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि लिंक कैसे करना, और स्पेशली आपको चाहिए जो आपका पेपर चेक कर सके। मैंने बड़े आंसर लिखे हैं, पर ये था कि मेरे पास चेक करने वाला कोई नहीं होता था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था मेरी गलती क्या है। इस बार मेरी सुमित भैया हैं, जो इनके फ्रेंड है काफ़ी अच्छे, जो उनके बारे में बताया, उन्होंने काफ़ी मुझे फाइनर पॉइंट्स बताए कि वरुण ऐसे ऐसे कर, मेरे बड़े भैया के फ्रेंड थे वो, मेरे बड़े भैया ही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, वो चीज़ें मैंने अप्लीकेबल की। और जो इंटरव्यू था मेरा, वो विशाल सर ने काफ़ी मुझे 1 घंटा लगाया था मेरे डैफ पे, मुझे बताया कैसे फाइनर पॉइंट्स है, कैसे बात करनी है, कैसे अपने पॉइंट्स को अच्छी तरह एक्सप्रेस करना है, अपनी वॉइस कैसे कम ज़्यादा करनी है, वो सब इन्होंने बताया, तो इनका मैं थैंक यू करना चाहूँगा सर। और जो थैंक जीएस की आपके जो प्रिपरेशन है वो क्वालिटी, आप मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ता था, वो काफ़ी लेंथी बुक है, पर अगर आप पढ़ लो तो वो सफिशियंट है, मोर देन एनफ। इकोनॉमिस की मैं वो पढ़ता था, शर्मा करके बुक है सर, मुझे याद नाम याद नहीं आ रहा, रमेश 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 हाँ रमेश सिंह, हाँ रमेश सॉरी सिंह। सॉरी रमेश सिंह करके बुक है, वो मैं पढ़ता था। ज्योग्राफी के PFMS आता है, उसके ऑनलाइन नोट्स थे, वो मैंने वो उससे पढ़ता था। और गवर्नेंस तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था मेरा, तो उसको मैं इतना पढ़ता नहीं था, वो मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर था। हिस्ट्री में पढ़ता था स्पेक्ट्रम से, कल्चर में पढ़ता था नितिन सिंघानिया से,
इंटरनल सिक्योरिटी और ये छोटे छोटे टॉपिक थे, ये मैं करंट आइडेंटिटी पढ़ता था, इन्वायरमेंट भी करंट आइडेंटिटी, विजन का आप पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। साथ में जब आप पढ़ते हो उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया करो ऑनलाइन गूगल पे, तो लैपटॉप या मोबाइल आपके लिए बड़ा जरूरी है इस टाइम, क्योंकि एग्जाम बड़ा डायनेमिक हो गया। एथिक्स था जो वो जो टॉपिक होते थे आप सिलेबस अपने आगे रख लीजिए, जो जो टॉपिक है उसको सर्च कीजिए यूट्यूब में, और एक अच्छे से बुक ले लीजिए कोई भी, जो आपको मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे अलग अलग बुक से कंपाइल करके, तो वही मैं पढ़ता था। ठीक है, तो वरुण ने आपके साथ अपनी जो बुक लिस्ट है वो भी शेयर कर दो। तो वरुण, अभी हम जानते हैं कि हमारा जो जेके एएस का इस साल का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ये भी आने वाला है, 15th of October उसकी डेट। तो जो बच्चे अभी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उन सब के लिए आपका क्या मैसेज है? सर मैं प्रीलिम्स के लिए बताना चाहूँगा कि मैं प्रीलिम्स में बहुत अच्छा था, हार्डली एक या दो बार होगा जो मैं 8 अटैम्प्टों में कि जब मैंने प्रीलिम्स फेल किया, वो भी कभी मैं एक बार मेरे को कोविड हो गया था और एक बार मेरे को थोड़ा सा फीवर वगैरह था तो नहीं कर पाया था, ऐसे मैंने बड़ा अच्छा रहा मेरा। तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या कीजिए, पढ़िए, पर जब आप पढ़ते हो तो वो सिर्फ आप खुद के लिए पढ़ते हो सर, तो आपको पता नहीं होता कि आपने कितना ग्रैस्प किया या कितना आपके दिमाग में गया। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, जितने ज़्यादा 20 सेट्स आप वेरी सिमिलर टेस्ट जितने आप कर सको या टेस्ट सीरीज जो अभी होंगी वो ज्वाइन कर लो, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स का कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन के रिलेटेड, तो वो आपको याद नहीं होगी, आपको लगेगा कि मैंने पढ़ लिया, पर वो आपने फाइनल जाके नहीं पढ़ा होगा और वही क्वेश्चन आएगा, फिर आप देखोगे हाँ मैंने नहीं किया, तो आप काफी सारी चीजें मिस करते हो, जो कि आप क्वेश्चन जब करते हो तो आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या किया, वो जो आप एक बार वो रिवाइज करते हो तो आपको पूरा वो आपका दिमाग में जाता है। वैसे करिए आप, सिर्फ पढ़िए मत, साथ साथ में टेस्ट दीजिए। तो बेसिकली जो वरुण जो है ये बेसिकली आपको इवेल्युएशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये हमारे साथ भी होता है और हम भी बच्चों के, हमारे जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं या गाइडेंस लेने आते हैं हमारा उनसे यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, और जैसा वरुण ने बताया कि वेरी सिमिलर टेस्ट यानी आपका जो भी टेस्ट सीरीज है उसका आप वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। मैं एमसीक्यू लगाने से क्या होता है ना कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, हमें जब पता है यार ये ऑप्शन सही है या गलत है तो उसके बाद आप उनका सोल्यूशन जब पढ़ते हो तो कहीं तब हमारे ब्रेन में जो है एम्बेड हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आपकी जो है लर्निंग है ये एक अलग लेवल से ग्रो करे। तो वरुण, इसके अलावा हम जानते हैं कि जैसे आज ही जेके एसएसबी का भी जो कोर्ट केस था उसकी जजमेंट आई है, तो उसमें भी यही बोला गया है कि एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी सरकार द्वारा, और वो रिव्यू कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं श्री अरुण मेहता जी उनको प्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। और जो माहौल बन रहा है उसे हमें यही लग रहा है कि पुराने जितने भी एग्ज़ाम्स थे जिनका रिजल्ट अभी तक ड्यू था वो सारे घोषित हो जाएंगे बहुत जल्द, और इसके अलावा जो नई रिक्रूटमेंट है या जो एग्ज़ाम्स अभी तक स्थगित थे जो नहीं हो पाए थे उन सब के लिए दरवाजे जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे भी गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे हमारा भी कल से जो है वो जेके एसएसबी का जो फ्रेश बैच है वो लॉन्च होने जा रहा है, या और भी जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी स्ट्रेटेजी में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं इनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर मैं आपको एक बार बोलना चाहूँगा, सर सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए गाइडेंस। अगर मेरे इतने साल लगे हैं इस प्रिपरेशन में वो मेनली इसलिए कि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। एक पढ़ता है ना गधा पढ़ता है और एक कोई समझदार बंदा पढ़ता है, वो फर्क होता है स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड वर्क में। तो मैं सर हार्ड वर्क करता था, मैंने बड़ी सारी किताबें पढ़ी हैं जो जो मार्केट में अवेलेबल है ऑलमोस्ट सब पढ़ी होंगी। तो मेरी पूरी फैमिली बिजनेस है, इस साइड कोई गया नहीं सर, और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था सर, शर्म आती थी किसी बात पूछने में, ऑनलाइन का भी इतना तब नहीं था, था पर इतना सर मैं नहीं इन्वॉल्व था। तो बड़ा पढ़ा मैं पर स्मार्ट स्टडी नहीं। वो आप जब स्मार्ट स्टडी आप कहाँ से करते हो, जो बच्चे यहाँ तो क्रैक कर चुके हैं एग्जाम, या आपके पेरेंट्स हो या आपका बड़ा भाई हो वो आपको बताएंगे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे। जो आपके पास एक अच्छे टीचर हो, आप जो इंस्टीट्यूट्स में जाते हो वो अच्छे होने चाहिए, जो आपको गाइड करे कि बेटा ये पढ़ ले, पूरी पॉलिटी की बुक जरूरी नहीं है पढ़ना, जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है या 4, 5, 6, 7 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ ये करो। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक बुक में फोकस करते हो लक्ष्मीकांत पे, जो आपको मेरे ख्याल से सर एक महीना ले लेती है या 2 महीने जो फ्रेशर्स हैं, और वही 2 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो किसी की अच्छे पर्सन की गाइडेंस से, तो मेरे ख्याल से वो बड़ा ज़्यादा बेटर है कि आपको क्लियर करवा दे एग्जाम। तो मैं इन सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए अपने बड़े भाई, अपने कोई फ्रेंड या सर के पास, या कोई सी भी इंस्टीट्यूट में लीजिए, पर गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है।
मुझे क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दी थी इंटरव्यू के लिए, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये जो करते हैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो, पर गाइडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि अभी जो ये एग्जाम प्रोसेस चल रहे हैं काफी फास्ट ट्रैक्ड है, हमारा रिजल्ट बड़ी जल्दी आया प्री मेंस इंटरव्यू, और JKPSC को मैं एक फेलिसिटेशन देना चाहूंगा कि इतना अच्छा इन्होंने किया सारा सिस्टम, और न्यू LG गवर्नमेंट ने ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप जो अभी न्यू एग्जाम्स है सर वो भी बड़ी जल्दी होंगे, तो बच्चों को मैं यही कहूंगा कि अपनी जो स्टडी है वो फास्ट ट्रैक कीजिए, अभी टाइम ज्यादा लगाइए पढ़ाई में और जल्दी पेपर हो जाएंगे सबके। ठीक है वरुण, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क प्लस अ बेटर गुड गाइडेंस, तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल भी जो हमारा है JKSSB बाय विशाल सर, वहाँ पे भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अपने इस यूट्यूब चैनल पे भी हम आपको, जैसे हमने एक ऑलरेडी जो वर्कशॉप रखी थी वो अरेंज करी थी, और हमारा एक जो बच्चे जम्मू में है ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑफलाइन बैच में भी हमारे पास आके पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मैं वरुण का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वरुण हमारे पास आए, तो थैंक्स वरुण, थैंक्स अगेन, थैंक यू।